हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि शिवाजी कॉलेज से आउट की गई है। ये कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने शिवाजी कॉलेज की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नोटिस सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। तो डिटेल्स मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर SH/Recruitment TS 2022। ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है। परमानेंट पोजीशंस के लिए वैकेंसी है। पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 की सैलरी मिलेगी 57,700 से लेकर 182,400 है। एंड 7 नवंबर 2022 ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। एंड ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट देख लेते हैं किस सब्जेक्ट पे ये वैकेंसी। असिस्टेंट प्रोफेसर की बायोकेमिस्ट्री में 3, बॉटनी में 5, केमिस्ट्री में 10, कॉमर्स में 12, कंप्यूटर साइंस में 4, इकोनॉमिक्स में 5, इंग्लिश में 4 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 2, जियोग्राफी में 5, हिंदी में 7 वैकेंसी है। नेक्स्ट है हिस्ट्री में 4, मैथमेटिक्स में 6, फिजिकल एजुकेशन में 1 है, फिजिक्स में 12 है, पोलिटिकल साइंस में 10 है, संस्कृत में 2, सोशियोलॉजी में 1, एंजियोलॉजी में 8 वैकेंसी है। एंड कैटेगरी वाइज डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी का डिटेल्स दिया गया है, तो आप डिटेल्स यहाँ पीडीएफ फाइल में देख सकते हैं। देख लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी ए, एलिजिबिलिटी बी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी ए की बात करें तो संबंधित सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री कम से कम 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए। इसके अलावा यूजीसी सीएसआईआर नेट संबंधित सब्जेक्ट में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एलिजिबिलिटी बी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी बी में आपके पास वर्ल्ड की 500 रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, आपके पास संबंधित सब्जेक्ट में पीएचडी होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट की पीएचडी 2009 के ग्रेजुएशन से पहले की है उन्हें यूजीसी सीएसआईआर नेट सेट से यहां पर छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। 500 एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट हैं, तो आपको किसी भी तरह की फीस सबमिट नहीं करनी है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करनी है, तो देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दिया गया है ऊपर में। इसके पहले हम शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पर इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन किया जाएगा, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा API स्कोर के बेस पे। तो यहाँ पर MPhil, MTech, LLM, MEd या इक्विवेलेंट डिग्री है प्लस PhD, तो आपको मैक्सिमम 25 मार्क्स दिए जाएंगे। JRR मेड के लिए 10 मार्क्स, अवार्ड कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा एकेडमिक स्कोर के बेस पर आपको 84, रिसर्च पब्लिकेशन के बेस पर 6, टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पर 10 एंड टोटल 100 के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के थ्रू होगा। तो आइए देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए वेबसाइट पर विजिट करते हैं। यहाँ ऊपर में ये PDF फाइल में लिंक दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिक्रूटमेंट साइट्स ओपन होके आ गई है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है इस फॉर्म को फिल करके, उसके बाद आप लॉग इन करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।